हेलो डियर फ्रेंड्स मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल सी एस आई एंड जैम केन्द्रीवा सिद्धांत पे डियर फ्रेंड्स संडे को मैंने लाइव सेशन किया था बट अनफॉर्चुनेटली जो लाइव सेशन हो गया वो मतलब गंदा हो गया उसके पीछे रीज़न ये रहा कि एक तो नेट कनेक्शन का जो इशू था वो थोड़ा सा उस समय प्रॉब्लम आ गई ये नेट का प्रॉब्लम आ गया उस टाइम और दूसरा क्या हुआ कि कुछ टेक्निकल इशू आ गए मतलब लाइव क्लास होने में तो लाइव सेसन होने में तो वो नहीं हो पाया तो एक घंटे लेट हो गया उसमें ठीक है एक घंटे लेट से लाइव सेशन से स्टार्ट हुआ और एक घंटे लेट से होने के कारण क्या हुआ कि काफ़ी चीज़ें बिगड़ गई तो मतलब चलिए उसके लिए कोई बात नहीं और एक्चुअली उसमें माइक वह मेरे पास नहीं था उस टाइम तो एक्चुअली मैं ऐसे ही ऑफिस चला गया था उसमें मेरे पास माइक नहीं थे तो जब माइक नहीं थे तो अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि वो साउंड क्वालिटी वह बहुत पुअर थी तो मुझे उस वीडियो को डिलीट करना पड़ गया तो मैंने सोचा कि ठीक है एक प्रॉपर वीडियो बना के जो है इस चीज़ को मैं ऐप को लेके जितनी भी कन्फ्यूजन है चूँकि क्वेश्चन में देख चुका हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन ऐप को लेके आ रहे हैं ठीक है ठीके? तो मैंने सोचा कि भाई एक वीडियो बना के इस चीज़ को इस कन्फ्यूजन को दूर किया जाए ठीक है सबसे पहला सवाल तो ये उठता है ठीक है कि आप मेरा ऐप क्यों लें ठीक है तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर हम आपका ऐप क्यों लें ऐसा क्या है आपके ऐप में जो हम आपका ऐप परचेज करें या आपका ऐप रजिस्टर करें तो उसके लिए मेरा एक एक आंसर है ठीक है सबसे बड़ी बात तो यह है कि आ, मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस बहुत लंबा लगभग दस से बारह साल का टेन टू ट्वेल्व ईयर का जो मेरे पास टीचिंग एक्सपीरियंस है वो आई टी जे एडवांस से लेके इस लेवल तक का है ठीक है क्योंकि मैंने बहुत बेसिक से चीज़ों को बहुत अपर लेवल तक पढ़ाया है इसलिए चीज़ों को लेके जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसका एक अलग लेवल है ठीक है उसका फ़ायदा आपको मिले इसलिए भी ऐप का परचेज करना ऐप को परचेज करना ज़रूरी है दूसरी चीज़ ये है कि मेरा फोकस आपको केमिस्ट्री सिखाने के साथ साथ इस बात पे भी होता है कि क्वेश्चन आपके विद इन सेकेंड्स बनने स्टार्ट हो जाए क्योंकि सी एस आई आर में बात ये होती है कि ज़रूरी नहीं कि आपको क्वेश्चंस नहीं आते आते होंगे लेकिन होगा क्या कि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बहुत टाइम टेकिंग होते हैं उन क्वेश्चन को टाइम देने के लिए ठीक है आपके पास ऐसे क्वेश्चन के तरीके होने चाहिए क्वेश्चन करने के कि आप उन क्वेश्चन को विद इन मतलब मिनट के अंदर आप कर लो उन क्वेश्चन को ताकि जो लेंदी क्वेश्चन हैं उन पर आप प्रॉपर टाइम दे पाओ अब सपोज़ दैट कि आपके पास अगर ऑर्गेनिक और अनऑर्गेनिक के जो होंगे चूँकि देखो फिजिक फिज़िकल में क्या न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल तो टाइम टेकिंग होता ही है उसमें तो कोई कोई शक नहीं काफ़ी ज़्यादा सोचना पड़ता है लेकिन चीज़ें सर्टेन होती है अगर सही होगा तो आंसर मैच करेगा नहीं होगा तो आंसर मैच ही नहीं करेगा ठीक है तो फिजिकल में तो चीज़ें सर्टेनसी और सर्टेन होती है और दूसरी बात की चीज़ें एक दूसरे से इतनी ज़्यादा कोलेप्स नहीं करती मतलब एक दूसरे से इतनी ज़्यादा इंट्रैक्ट नहीं करती चीज़ें डिफरेंट हैं लेकिन ऑर्गेनिक वर्ड में क्या होता है ना ऑर्गेनिक बहुत कन्फ्यूजिंग है ठीक है चीज़ें इस तरह उलझ जाती है बॉन्ड दाएं साइड बनाए कि बाएं साइड बनाए ठीक है पाई बॉन्ड यहाँ होगा कि पाई बॉन्ड वहाँ होगा रिंग फाइव में होगा कि सिक्स में होगा यहाँ से ब्रेक डाउन होगा कि यहाँ से ब्रेक डाउन होगा इस्टूडियो आगे की तरफ होगा कि पीछे की तरफ होगा ये सारी चीज़ें कन्फ्यूज़ करती हैं एक स्टूडेंट को जिसके कारण कि वो ऑर्गेनिक के क्वेश्चन देख के ही डर जाता है जो फैक्ट बात है ऑर्गेनिक के क्वेश्चन देख के उसे डर लगता है ठीक है तो इस डर को दूर भगाने के लिए भी मेरा अटेम्प्ट है ठीक है ये भी एक रीज़न है कि मैं आपके दिमाग से उस डर को दूर निकालना चाहता हूँ डर को दूर भगाना चाहता हूँ ताकि आप बिल्कुल खुल के ठीक है आप उन क्वेश्चन के ऊपर अटैक कर सके और उन क्वेश्चन को एग्ज़ाम में आप सॉल्व कर सकिए इसलिए भी ज़रूरी है कि इस ऐप को परचेज करना और सबसे बड़ा एक और रीज़न ये है कि जो है मेरा हमेशा से ये फोकस रहा कि आप जो क्वेश्चंस हैं ठीक है क्वेश्चंस को सीखने के साथ साथ एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के साथ साथ आप आने वाले टाइम में जब कभी असिस्टेंट प्रोफेसर जब है या किसी रिसर्च फील्ड में जाइए तो वहाँ पर आपके पास नॉलेज हो मतलब चीज़ों को लोगों से पूछ पूछ के काम ना करना पड़े आपके पास खुद का नॉलेज हो कि लोग आपसे सीखने आए ठीक है मेरा हमेशा से ये रहा है कि भाई मेरे पास जो टीचिंग एक्सपीरियंस है जो मुझे आता है पढ़ाने के लिए इंसान की लाइफ ही कोई गारंटी थोड़ी होती है इंसान कितने दिन का है कब तक है तो ज़रूरी ये है ना कि अगर हमें इस लाइफ में हमें ज़िंदगी मिली है तो हम लोगों को सिखा के जाएँ ठीक है हम लोगों को सिखाएं लोगों लोग हमसे कुछ सीख पाएँ और हमारे पास जो है वो हमारा नहीं है स्वामी स्वामी विवेकानंद ने बोला था कि जो तुम्हारा तुम्हारे पास है वो तुम्हारा नहीं है वो तुम्हारे इस समाज के लिए है तो फिर सवाल उठेगा कि सर फिर आप ऐप के लिए पैसे क्यों ले रहे हो तो भाई आ, ठीक है आपको भी समझ में आना चाहिए कि एक सिस्टम होता है ठीक है यूट्यूब से कुछ भी अर्निंग नहीं होती है ठीक है यूट्यूब बस एवं ही है यूट्यूब बस एक प्लेटफॉर्म था जहाँ मैं आप लोगों से जुड़ पाया अदरवाइज़ यूट्यूब से अर्निंग होने में एक डेढ़ साल लगते हैं साल भर के बाद टीचर्स को अर्निंग होती है बाकी जो कॉमेडियंस हैं सिंगर्स हैं उनको तो खैर तुरंत तो अर्निंग स्टार्ट हो जाती है लेकिन जो टीचर्स हैं उनको चूँकि अब सोचो मेरा एक पर्टिकुलर एरिया है ठीक है सी का अब इस पर्टिकुलर एरिया में मतलब बहुत सारे बहुत कोई नहीं आता बूढ़े भी नहीं आते बच्चे नहीं आते गर्ल्स मतलब उस एज कम एज की गर्ल्स नहीं आती ज़्यादा एज की गर्ल्स लेडीज नहीं आती बूढ़े नहीं आते ठीक है कम पढ़े लिखे लोग नहीं आते मतलब एक सिलेक्टेड एरिया है अब इतने इस सिलेक्टेड एरिया के लोग मतलब क्या ग्रोथ दे सकते हैं यूट्यूब पे दैट्स वाई कि एक ऐप को बनाकर उसके थ्रू जो है चीज़ों को आगे बढ़ाना एक सोफिस्टिकेटेड वे है ठीक है तो ये आपके न, आपको शायद इस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि क्यों मेरा ऐप परचेज करना चाहिए मेरा बस एक पर्पज़ है कि एग्ज़ाम में बड़े से बड़े क्वेश्चंस को आप पाँच सेकेंड दस सेकेंड एक मिनट के अंदर आप ब्रेक करना सीखो एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करो आने वाले टाइम में जब किसी कॉलेज में जाओ तो वहाँ कॉलेज में कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ा सको ये नहीं कि आपने आप रट के आए हो एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आओ जब आप कॉलेज के सेंट्रल हॉल में या जब उसके आ, स्टेज पे खड़े हो तो उस स्टेज पे आग लगा दो ठीक है ये मेरा पर्पज़ है सिर्फ पढ़ा कर नहीं सिखा कर मैं आपको उस लेवल पर पहुँचाना चाहता हूँ कि कल जब आप इंटरव्यू में जाओ तो जब पाँच छः लोग आपको घेर के बैठे ना तो उन सब के छक्के छुड़ा दो आप ठीक है उन सबको भी लगना चाहिए कि भाई नई जनरेशन में इतनी पावर है कि अब हमें रिटायर हो जाना चाहिए ठीक है ये इनको फ़ील होना चाहिए ठीक है अदरवाइज़ पुराने पुराने लोग जिनके पास काफ़ी ज़्यादा ईगो होता है ना इस चीज़ का क्या भैया हमें तो बहुत केमिस्ट्री आती है आजकल के लड़के कहाँ केमिस्ट्री जानते हैं और ये कहीं ना कहीं रियलिटी भी है ठीक है छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चंस में जो होता है जब वो वाइवा लेते हैं तो बेसिक क्वेश्चन में लोग फंस जाते हैं लड़के फंस जाते हैं तो ये एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है तो ये इतना <coughs> इतनी पॉजिटिविटी होनी चाहिए ना कि उनकी सोच के धज्जियाँ उड़ा दो आप कॉलेज जाओ तो बच्चों की सोच की धज्जियाँ उड़ा दो कि भाई एक प्रोफेसर है क्या पढ़ाएगा मतलब जाओ वहाँ पर तो जब कोई टॉपिक पढ़ाओ तो बच्चे बोले अरे बाप रे बाप कि <laughs> टीचर है कि कोई आग के गोले हैं इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे से जुड़ो ठीक है और मैं अपनी मैक्सिमम जो मेरी नॉलेज है वो मैं यूटिलाइज करके आप लोगों तक पहुँचा पाऊँ अब इसके लिए जो छोटी सी फी है फीस तो बड़ा इशू नहीं है मुझे लगता है फ़ीस बड़ा इशू नहीं है चूँकि आपको मेरे बारे में भी सोचना होगा इसलिए मैंने जानबूझ के बहुत ही मिनिमम फ़ीस रखी है दूसरी बात कि ऐप आप जनरली कितने दिन के लिए लो अगर आप बीएससी में हो एमएससी में हो तो मेरे हिसाब से आपको सिक्स मंथ का जो प्लान है वो आपको शूट नहीं करेगा आप एटलीस्ट वन ईयर का प्लान लो इससे फ़ायदा ये देखिए इससे कई सारे फायदे एक तो ये है कि भाई आप जो है छः महीने चार महीने सी एस आई की तैयारी के लिए काफ़ी नहीं होते एक बार आपको पढ़ना होता है फिर एक बार उसको रिवाइज करना होता है ठीक है सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलता एक एक वीडियो को एक लड़का है ठीक है लखनऊ का अनिल कुमार उनसे मेरी लगातार बात होती है तो उनका उन्होंने बोला कि सर हम एक बार में पढ़े तो मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ मैंने बोला भाई तीन बार पढ़ो तीसरी बार में जाके वो चीज़ें तुम्हें तो हमेशा के लिए याद हो जाएगी ठीक है तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर एक बार में काम को मतलब फिनिश करने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा मैंने खुद मुझे लगता है तीसरी बार मेरा तीसरी बार मेरा जे आर एफ ठीक है सॉरी तीसरी बार नहीं करना था क्योंकि जो दो सीट तो मैंने किसी न किसी की तो बर्बाद कर दी ना ठीक है उसके बाद फिर मैंने नेट ही दिया फिर मैंने जे का नहीं भरा जे आर नाम के लिए मैंने तीन बार भरा चूँकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि भाई थ्री टाइम फोर टाइम तो इसलिए ये गलती मेरे से हुई इसके लिए मैं सॉरी बोलूँगा आपको कि मुझे बेवजह थ्री टाइम नहीं करना चाहिए था क्योंकि थ्री टाइम चक्कर में टू टाइम तो मैंने किसी और का जे मार दिया खैर जो हो चुका वो हो चुका मिट्टी डालिए तो अब सवाल ये उठता है कि भाई जे करने के लिए क्या पढ़ना काफ़ी होता नहीं पढ़ने नहीं होगा देखिए क्या होता है ना चिंतन मनन ठीक है पढ़ना सोचना और उसको उस उसको लैंग्वेज में कॉपी पर उतारना ये तीन चीज़ें जब एक साथ होती है ठीक है पढ़ना सोचना और लिखना जब ये तीन चीज़ें एक साथ होती है तब जाके जो एग्ज़ाम को कंप्लीट करने की स्क्रिप्ट तैयार होती है जो स्क्रिप्टिंग होती है ना वो यहाँ से होती है कि आप पढ़ते हैं सोचते हैं और लिखते हैं और एक इतने बड़े सिलेबस को पढ़ने लिखने सोचने के लिए सिक्स मंथ का टाइम काफ़ी नहीं है उसके लिए कम से कम वन ईयर का टाइम चाहिए होगा इसलिए मैंने वन ईयर का भी फ़ीस इतना कम रखा कि लोगों के सिक्स मंथ से भी मेरा जो फ़ी है वो कम है तो खैर वो मैटर नहीं करता वो आप जो है अपना देख लीजिए आपको जैसा अच्छा लगे इस बारे में आपको कोई ज़्यादा सजेस्ट नहीं करने वाला हूँ अदरवाइज़ आपको लगेगी सर आप अपनी मार्केटिंग कर रहे हो ये आपकी मर्ज़ी है ठीक है आपको जैसा अच्छा लगता है देख लो तीसरी बात ये है कि भाई आपको आ, नोट्स असाइनमेंट पी कैसे मिलेंगे तो टेस्ट वेस्ट कैसे होंगे तो होगा ये बचे लोग कि जब आप ऐप को परचेज करेंगे तो ऐप के थ्रू क्या होगा कि जब आप ऐप का पेमेंट करेंगे तो उस पेमेंट का जो स्क्रीन होगा ठीक है ना वो स्क्रीन आप जो है आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजेंगे एट फाइव फोर फोर जीरो वन जीरो थ्री सेवन जीरो ये एक व्हाट्सएप नंबर है मतलब ऐप पर तो रजिस्टर आप हो ही जाएंगे लेकिन वो स्क्रीन शॉट अपना नंबर जो है आप उस मेरे व्हाट्सएप पे भेजेंगे तो मैं आपके लिए एक पर्टिकुलर एक टेलीग्राम ग्रुप बना बनाया मैंने ठीक है उस पर्टिकुलर टेलीग्राम ग्रुप में पेड वाले स्टूडेंट्स को जोड़ा जाएगा और फिर फिर क्या होगा कि उनके सारे क्वेश्चन डिस्कसन होंगे डिस्कस होंगे उनको असाइनमेंट दिए जाएंगे ठीक है मतलब जो फ्री वाला टेलीग्राम ग्रुप है उससे काफ़ी ज़्यादा इसमें जो फैसिलिटीज होंगी वो प्रोवाइड की जाएंगी अब आप बोलेगा सर ऐप पे क्यों नहीं करोगे तो भाई ऐप पे भी कर सकते हैं ऐप पे भी करने का फंक्शन है बट इससे क्या होगा कि ऐप स्लो हो जाएगा अगर मैं ऐप पे टेस्ट भी लेने लगूँ ऐप पे सारे काम करूँ मान लो जिस समय ऐप पे टेस्ट चल रहा है ऐप पे जिस समय जो है असाइनमेंट में अपलोड कर रहा हूँ और उसमें अगर कोई ऐप स्लो हो गया तो किसी इंटेरियर एरिया में बैठे हुआ जो बच्चा होगा उसके लिए वो उसमें वीडियो वो जो वीडियो चला रहा होगा वीडियो वो हो सकता है कि बफर करने लगे रुकने लगे तो उस चीज़ से बचने के लिए मतलब ऐसा मुझे नहीं पता कैसा होगा ठीक है हालांकि जो मैंने जो ऐप बनवा है वो मुझे लगता है कि और लोगों ने जित जो ऐप बनवाया उससे कहीं ज़्यादा जो ऐप मेरा महंगा बना है ठीक है एम एक्स प्लेयर वगैरह को मैंने कम्प्लीटली इसमें यूज़ किया था कि जो इतने सोफिस्टिकेटेड वे में ये आपका जो ऐप होगा वो चलेगा कि आपको खुद बिलीव नहीं होगा कि इतना सॉफ्ट कैसे चल सकता है बिल्कुल जो है बहुत अल्टीमेट लेवल की मेरी टीम मैंने हायर की है काफ़ी ज़्यादा खर्च किए हैं इसके पीछे ठीक है मैं आपको बता नहीं सकता कि इसके पीछे मेरा कितना खर्च हुआ है और ये सारा खर्च इसी हाँ पे हुआ है कि आपसे जब मैं जुड़ूंगा तो आप मेरी आ, मेरी कॉस्ट को आप ऐसे भी समझते हो कि भाई सिद्धांत सर क्या पढ़ाते हैं आप इस चीज़ को और भी लोगों को बताओगे तो इस तरह से मतलब लोग मुझे जानेंगे लोग मेरे से जुड़ेंगे तो मेरा प्रॉफिट होगा अब ये बात को पता चलेगी कि भाई जो टेस्ट होंगे टेस्ट वीकली होंगे है वीकली टेस्ट आपको मिल जाएंगे पी डी एफ नोट्स असाइनमेंट वगैरह भी आपको रेगुलरली मिल जाएंगे उसके डिस्कसन हो जाएंगे जो फैकल्टीज होंगी और भी मेरे अलावा और भी जो फैकल्टीज होंगी वो फैकल्टीज भी आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी उनसे आप क्वेश्चन डिस्कसन करोगे उनके वीडियोज आपको मिल जाएंगे ठीक है और प्रॉपर क्लास के स्टाइल में आपको रेगुलरली बहुत सारे वीडियो स्टार्टिंग मिलेगी फिर वीडियो जो होंगी आपको अपलोड करती जाए कर मतलब लोग करते रहेंगे मतलब एक बार बल्क में आपको वीडियोस मिलेंगे फिर आपको वीडियो अपलोड करते जाएंगे करते जाएंगे और इस तरह से क्या होगा कि देखिए आप ये मत सोचना कि सर आप एक ही बार में सारा वीडियो हमें प्रोवाइड कर दो देखिए अगर हम एक ही बार में सारा वीडियो प्रोवाइड कर दें तो ये वैसा ही होता है ना जैसे कि बासी दूध की तरह हो जाता है हम अपडेट रहना चाहते हैं अपडेटेड रहना चाहते हैं अभी जो मैंने पढ़ाया वो बिल्कुल अपडेटेड है तो मैं आपको अपडेट रखना चाहता हूँ न्यू सिस्टम्स के साथ न्यू जो भी चीज़ें बदल रही है बिगड़ रही है जो चीज़ें ऐड हो रही है उसके साथ मैं आपको अपडेट रखना चाहता हूँ इसलिए मेरी सोच है कि जब मैं ऐप लॉन्च करूँ तो उसमें मैक्सिमम जो है वीडियो देने के बाद फिर वीडियोज़ रेगुलरली उसमें आती भी रहे और आपको एडअप आप होती रहें वीडियो देखने कोई टाइम नहीं होगा आपका आपकी मर्ज़ी है वीडियो आ जाएंगे आपको जब भी देखने का मर्ज़ी करे आप देख लो ठीक है उसके लिए कोई इशू नहीं है वीडियो आपको जब भी देखना चाहो आप तब देख सकते हो वीडियो सुबह के सुबह के सात बजे से लेकर रात के बारह बजे से चार बजे सुबह आपको जब मर्जी करे डजन मैटर आपको जब भी वीडियो देखना है आप उसको देख लो ठीक है वो बिल्कुल आपके लिए वो ऐप जो है हमेशा वो ओपन रहेगा वीडियो आप कभी भी देख लो ठीक है कोई क्लास का ऐसा इशू नहीं है कि भाई फ़लाना टाइम में आपको बैठना होगा इसके अलावा जो है काफ़ी बच्चों ने बोली कि सर जो है फ़ीस जो है आपने कम रखा है उसके पीछे रीज़न क्या है तो फ़ीस की जो कम रखने के पीछे रीज़न ये है कि भई जो मेरी जो क्लासेस है वो उस लास्ट बच्चे तक भी पहुंच पाए जो गांव के किसी कोने में बैठा हुआ इस बात का वेट कर रहा है कि उसकी भी किस्मत बदलेगी और उसके पास पैसे नहीं कि वो डेली जा सके जियासराय जा सके जी नगर जा सके वहाँ के मंथली बारह तेरह हज़ार के जो जो एक्सपेंसिस है उसको वो मतलब बियर कर सके तो सारे बच्चे ऐसे नहीं हैं गर्ल्स बहुत सारी गर्ल्स ऐसी होती हैं जिनके लिए इतना दूर जाना काफ़ी टफ है उनके गार्जियन के लिए काफ़ी टफ है उनको भेज पाना ठीक है तो ये काफ़ी सारी चीज़ें जो है आ, मतलब प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन के तौर पे ये ऐप है ठीक है और लोगों से ये ऐप अलग होगा बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है ठीक है क्योंकि जो मैं हूँ ना मैं अलग लेवल का पैसनेट पर्सन हूँ ठीक है मैं हमें सब पढ़ाता नहीं मैंने बस सोचता हूँ मुझे लगता है ना कि केमिस्ट्री क्या है केमिस्ट्री एक मुझे बच्चे की तरह लगती है प्यारे से बच्चे की तरह जिसे यूं गोद में उठा कर रखना पड़ता है केमिस्ट्री को ना मतलब अगर आप जुनून में केमिस्ट्री सीखने की को, कोशिश करो तो नहीं सीख पाओगे केमिस्ट्री से प्यार करना जरूरी होता है ठीक है इन लव विथ केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री के प्यार में गिरने के लिए जरूरी नहीं कि केमिस्ट्री को बहुत प्यार से समझाया जाए देखिए वो एक में की मैंने देखी थी एक किसी ने बताया था कि जो मतलब लव होता है ना वो एक, एक फूल की तरह होता है उसे जो है धीरे से बहुत धीरे से पकड़ोगे तो हाथ से छूट जाएगा गिर जाएगा और जोर से पकड़ोगे तो वो टूट जाएगा एक ऐसी चिड़िया होती है बहुत मासूम सी चिड़िया जिसे ज़ोर से पकड़ोगे तो मर जाएगी धीरे से पकड़ोगे तो उड़ जाएगी तो ये ऐसे ही लव होता है चाहे वो किसी पर्सन के साथ हो चाहे वो किसी सब्जेक्ट के साथ हो किसी सब्जेक्ट को जुनून के साथ नहीं सीखा जा सकता जुनून के साथ किसी चीज़ को याद किया जा सकता है रटा जा सकता है ठीक है आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर को आप रट जाओ बार बार उसको देखो उसकी वीडियो देखो रट जाओ लेकिन अगर आपको वर्ल्ड वॉर को समझना है ये वर्ल्ड वॉर क्या होता है तो रिलैक्स होकर बैठो आराम से जो उसको सबसे ज़्यादा टाइम लेता है उसकी वीडियोस देखो अब जो आपको आधे घंटे में वर्ल्ड वॉर समझाएगा वो नहीं समझ समझा पाएगा पंद्रह मिनट में जो वर्ल्ड वॉर समझाएगा वो नहीं समझा पाएगा लेकिन जो फिफ्टी मिनट में जो वर्ल्ड वॉर जिसको समझाना है वो बहुत प्यार से समझा पाएगा आपको ठीक है बहुत प्यार से आपको वर्ल्ड वॉर समझा पाऊंगा। पाएगा अब वर्ल्ड वॉर को मैं एक बार केमिस्ट्री से रिलेट करता हूँ देखो एक बात समझो आपको पता है ना कि जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कब हुआ था 1914 में 28 जुलाई और सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था 1939 में तो 1914 और 1939 के बीच में ऐसा क्या बदला जो कि वर्ल्ड वॉर का जो है आ, स्वरूप बदल गया जो उसका डायग्राम था जो रूप था उस वर्ल्ड वॉर का वो बदल गया ऐसा क्या बदला है इसमें तो आपकी जबान पे सीधी बात आई कि सर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सर एटॉमिक बम का यूज़ नहीं हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो था सर वो एटॉमिक बम का यूज हुआ जब जापान में हीरो सीमा नागा साके पर बम गिराए गए तो वो वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो था उसमें वो उसका एक अलग रूप था कि वहाँ पर एटॉमिक बम का यूज हुआ हमने ठीक है एटॉमिक बम का यूज़ हुआ एटॉमिक बम का यूज़ कैसे हुआ मतलब एटॉमिक बम की खोज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्यों नहीं हुई तो सर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ना एटॉमिक बम की खोज हुई नहीं थी इसलिए उसमें यूज़ नहीं होने तो वहाँ वो लोग कर देते हम लोग अच्छा ऐसा क्यों हुआ बोले सर नहीं पता सर अब मैं आपको बताता हूँ एटम की डिस्कवरी हो चुकी थी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी प्रोटॉन की डिस्कवरी सब की डिस्कवरी हो चुकी थी बहुत पहले अठारहवीं शताब्दी के आसपास ही सत्रहवीं अठारहवीं शताब्दी के आसपास ही जो अदर फोटो रहते थे उन्हीं समय में गोल्ड स्टिन वगैरह ने इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की खोज करके रख दी थी बहुत पहले ही मतलब नाइनटीन सेंचुरी के स्टार्ट मतलब एटीन स्टार्ट होने से पहले ये चीज़ें सारी डिस्कवर हो चुकी थी लेकिन 1932 में एक एलिमेंट एक पार्टिकल डिस्कवर हुआ जिसका नाम था न्यूट्रॉन 1932 में और इस 1932 में जो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई न्यूट्रॉन को बनाया नहीं गया इसकी डिस्कवरी हुई ठीक है तो इसकी डिस्कवरी के बाद क्या हुआ कि ये चीज़ देखा गया कि इस न्यूट्रॉन में जो स्लो पार्टिकल न्यूट्रॉन है जो स्लो मोशन न्यूट्रॉन है वो स्लो मोशन न्यूट्रॉन जो होता है वो जाके न्यूक्लियस को हिट करता है और न्यूक्लियस ब्रेक कर जाता है दूसरा मतलब वो न्यूट्रॉन अपनी जगह से निकल के दूसरे न्यूक्लियस पे जाकर अटैक करता है वो न्यूक्लियस क्या करता है ब्रेक कर जाता है और उस न्यूक्लियस के ब्रेक करने से जो मतलब रिएक्शन चेन रिएक्शन स्टार्ट होता है वो बहुत बड़े अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ करता है बहुत बड़े अमाउंट में साउंड पॉल्यूशन से लेकर हर तरह रिल्डिविटी हर चीज़ को रिल, मतलब रिलीज करता है और एक एटम बम के फटने से कितना बड़ा नुकसान होता है ख़ैर ये बताने वाली बात नहीं है अब आप सोचो कि उस एटम को उस एटम के जो न्यूक्लियस को जो मतलब ब्रेक करने की जिम्मेदारी किसकी भी हुई तो स्लो मोशन न्यूट्रॉन की क्यों फास्ट न्यूट्रॉन ऐसा क्यों नहीं कर पाया अब नहीं कर पाया तो नहीं कर पाया तो ये एटॉमिक बॉम्ब जिसने पूरी धरती को बदल के रख दिया ठीक है उसकी जड़ में क्या है एक स्लो मोशन पार्टिकल स्लो मोशन न्यूट्रॉन है तो एक्जैक्टली यही चीज तो हमारी लाइफ में भी है जब किसी काम को हम धीरे से करते हैं प्यार से करते हैं ठीक है तो वो चीज़ें हमें समझ में आने लगती है वो चीज़ हमारे दिमाग में जाती है मतलब ये सोचो कि वो स्लो मोशन रिटर्न जाके एटम के हर्ट में घुस गया ठीक है तो वैसे ही जो होगा धीरे धीरे प्यार से सीखी हुई जो चीज़ें होती ना वो बस हमारे दिल में बस जाती है और लंबे समय तक वो हमें याद रहती है ठीक है और इसका एडवांटेज हमें ये मिलता है कि हम अपनी लाइफ में चीज़ों को आसानी से हम इम्प्लीमेंट कर पाते हैं ठीक है ना सिर्फ एग्ज़ाम में बल्कि एग्ज़ाम के अलावा जब आप कहीं पेपर आप कभी असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं किसी कॉलेज में जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए इंटरव्यू में जाते हैं तो ऐसी जगहों पे आप अपनी छाप छोड़ पाइए ठीक है ये नहीं कि सिर्फ जो है आप मतलब बहुत अच्छे पढ़ लिए आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया जरूरी ये है कि जब आप कल किसी कॉलेज में जाइए तो वहाँ पर जाके भी आप फाड़ के रख दीजिए ठीक है मतलब स्टेज पर चढ़ी तो आग लगा दीजिए तो ये चीज़ें होनी जरूरी है इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे जुड़ूँ अपना एक्सपीरियंस अपना नॉलेज आपसे शेयर करूँ ताकि इस नॉलेज और इस एक्सपीरियंस के साथ आप लाइफ में अच्छा कर पाओ ठीक है तो डियर स्टूडेंट्स फिफ्टीन जून को ये ऐप लॉन्च हो रहा है उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो है ऐप पसंद आएगा ठीक है आप इसमें रजिस्ट्रेशन करवाइए ठीक है जुड़िए मेरे साथ और आप देखिए कि मैं आपको केमिस्ट्री के किस लेवल पे लेके जाता हूँ ये पी के सिद्धांत का प्रॉमिस है आपसे मैं आपको ऐसे लेवल पे लेके जाऊँगा ना ऐसी जगह पे आपको लेके जाऊँगा केमिस्ट्री में कि ना सिर्फ आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा बल्कि आप केमिस्ट्री को रियलाइज़ करोगे दिल से रियलाइज़ करोगे एक अच्छी फैकल्टी बन पाओगे अच्छी जगह पे ज्वाइन कर पाओगे ठीक है और उम्मीद करता हूँ कि आप खुद भी जुड़ेंगे अपने फ्रेंड्स को भी जोड़ेंगे इस ऐप से ठीक है डियर फ्रेंड्स थैंक यू सो मच एंड बाय